हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। मेरा बेटा अभी 21 महीने का हो चुका है एंड वो कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन हो चुका है। उसे जब भी पॉटी आती है तो वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाता है या फिर वो आके मेरे पास बोलता है मम्मा शीशी। तो ये जर्नी कैसे काफ़ी मॉम्स के लिए इजी होती है एंड काफ़ी मॉम्स के लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाती है पॉटी ट्रेन करना, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है एंड देन फिर हम बच्चों को इजीली इससे रूबरू करा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि इसे कब शुरू करना चाहिए, तो ये कैसे अपने अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसे पॉटी ट्रेन करना चाहिए, तो उस टाइम पे आप शुरू कर सकते हैं। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अर्ली नहीं दूंगी, मैं उसे तब दूंगी जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा इसके लिए एंड तभी मैं उसे पॉटी ट्रेन करूंगी। मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी, ज़बरदस्ती ले जाके एक एक घंटे तक बाथरूम में बैठाना, पॉटी सीट पे उसे पकड़ के बैठे रहना, ये क्योंकि मुझे पता था ये मेरे से होने नहीं वाला है। तो मैं एक इजी मेथड फाइंड करना चाहती थी ताकि मैं उसे 1 से 2 दिन में पॉटी ट्रेन पूरी तरह से अच्छे से कर दूं। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपने बच्चे को फुल्ली 2 दिन में पॉटी ट्रेन कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए एंड आपके लिए ये एक्टिविटी पूरी तरह से वर्क करे। कैसे बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए हमें उसे अच्छी तरह से समझना पहले काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आप अपने बच्चे को उसे फिर अच्छी तरह से समझा सके। वो 15 मंथ का था तब मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की एंड अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मेरे लिए था तो मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने सर्च करने के बाद एक पॉटी सीट कुछ इस तरह से मंगवाया जो कि एक चेयर के शेप का था। तो अनी कैसे उसका जो ढक्कन था जब उसे बंद करती थी तो अनी उसे एज अ चेयर अच्छे से यूज़ करता था, लेकिन ढक्कन हटाने के बाद जब एज अ पॉटी सीट उसे बैठाती थी तो वो डरता था एंड वो बैठना नहीं चाहता था, वो रोने लगता था। तो मैंने इस तरह से काफ़ी बार ट्राई किया बट वो इसके साथ अच्छा फील नहीं कर रहा था, देन लास्ट में मैंने उसे छोड़ दिया। तो इस तरह से पॉटी सीट मेरे काम नहीं आया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अनी को डायरेक्ट जो हम यूज़ करते हैं पॉटी सीट वहीं पे मैं उसे ट्रेनिंग दूंगी एंड मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। तो मैंने शुरू किया उसका साइन रीड करना। कैसे अनी की जब वो बहुत ही छोटा था, 1 वीक का था, 10 दिन का था, तब से उसकी एक आदत थी, जब भी वो सुसु करता था या पॉटी करता था तो बहुत ही रोना शुरू कर देता था इमीडिएटली, तो फिर हम उसे फटाफट से चेंज करा देते थे। तो इस तरह से ये उसकी आदत स्टार्टिंग से ही था जो कि बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो वो कभी भी मतलब बड़े होने के बाद भी अगर वो डायपर में भी सुसु पॉटी करता था तो वो रोना शुरू कर देता था, अनइजी सा फील करने लगता था जो कि उसके फेस पे साफ दिखता था। साइन रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा क्या साइन देता है जब उसे पॉटी आती है। जैसे कि कुछ बच्चे फार्ट करते हैं, कुछ बच्चे कैसे उनके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है जब उन्हें पॉटी आती है एंड कुछ बच्चे कैसे फोर्स लगाते हैं तो उनके फेस ऐसे रेड जैसा हो जाता है। तो सबका अलग अलग साइन होता है, तो पहले आप अपने बच्चे का साइन रीड करने की कोशिश करें एंड देन जब वो साइन देने लगे तो फिर उसे आपको जहाँ ट्रेनिंग देनी है फटाफट से उसे बाथरूम में लेके जाइए। वैसे सबके लिए अलग अलग होता है, कभी कुछ बच्चे जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे टाइम लगाते हैं। तो ये कैसे आप जितना इजी इस प्रोसेस को उन्हें जितना इजी तरह से समझाएंगे उतना ही इजी उनके लिए सीखना हो जाएगा। तो फर्स्ट डे जब मैं अनी को लेके गई थी तो मैंने उसका इस तरह से हाथ, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा एंड उसे आराम से वहाँ ले जाके पहले खड़ा किया, तो वो कैसे रोने लगा क्योंकि वो जगह बिल्कुल नई थी एंड उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो इस टाइम पे आप कैसे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो उस तरह से मैंने लाइक बाथरूम का नल ऑन कर दिया एंड फिर वो उसमें बिजी हो गया पानी में एंड फिर इस तरह से थोड़ा उसने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मैं उसे स्मार्टली फटाफट सिखा पाऊँ। तो जब अनी को डर लगने लगा तो फिर मैंने उसका ध्यान डाइवर्ट किया एंड उसे बातों अपनी बातों में उसे कैसे
थोड़ा बहलाया, उसे थोड़ा काम किया कि ताकि उसे अच्छा फील हो वहाँ जाने के बाद, वो रोए ना। एंड देन फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा अपने हाथ में एंड देन उसे धीरे से बिठाने की कोशिश की, तो वो अच्छे से बैठ गया। तो फर्स्ट डे तो वहाँ पे उसने मतलब सिर्फ सुसु किया एंड वापस आ गया। एंड देन जब मैंने सेकेंड डे उसे वहाँ पे सेम, जब वो साइन देने लगा तो मैं उसे सेम लेके गई एंड सेम प्रोसेस फॉलो किया। तो वो थर्ड डे से बिल्कुल ट्रेंड हो गया। थर्ड डे से वो कैसे मुझे आके बताता था, जब भी उसे पॉटी आई होती थी तो वो बताता था। तो अभी वो कम्प्लीटली पॉटी ट्रेंड हो चुका है। इस तरह से मैंने कम्प्लीट अनी को 15 मंथ में कम्प्लीटली पॉटी ट्रेंड कर दिया था एंड वो अभी तो पूरी तरह से हो चुका है। तरह से बिना कोई पैसे खर्च किए आप उसे डायरेक्ट पॉटी सीट पे पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं एंड जो पॉटी सीट आती है उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड औरों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।